हेलो स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे उन जो कंडीशन फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी हमने पढ़ी थी। चार पॉइंट पढ़े, समझे और लिखे भी सही। अब फिफ्थ पॉइंट की तरफ, तो फिफ्थ पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। कंडीशन फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी का पॉइंट फिफ्थ है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और आपकी बुक में एट पॉइंट भी है। ठीक, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है? पावर को डिसेंट्रलाइज कर देना, यानी कि अपनी पावर को बांट देना। जैसे कि हमारे देश में सबसे ज्यादा पावर किसको दी गई है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। वो अपनी पावर बांटता है धीरे धीरे करके, राज्यों के चीफ मिनिस्टर होते हैं उनमें, चीफ मिनिस्टर अपने मंत्रियों में, मंत्री अपने अधिकारियों में, फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट बांटती है लोकल गवर्नमेंट में, लोकल गवर्नमेंट में मेयर होता है, नगर निगम जिसे हम कहते हैं, मेयर बांटता है पार्षदों में, पार्षद बांटते हैं अधिकारियों में। ऐसे धीरे धीरे करते करते हमारा जो डेमोक्रेसी का पूरा स्ट्रक्चर है वो किस पे डिपेंड है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि पावर को बांटने में, पावर को अथॉरिटी बांटने में। जैसे फॉर एग्जांपल, और ये जरूरी भी है कि हम नहीं मान सकते ना कि एक प्रेसिडेंट या एक प्राइम मिनिस्टर पूरे देश को चला लेगा अकेला अपने दम पर, नहीं हो सकता। क्योंकि एक देश बहुत बड़ा होता है, अलग अलग प्रकार के उसमें लोग होते हैं, हर कास्ट के, हर धर्म के, गली नुक्कड़ सबको अलग अलग प्रॉब्लम होती है, हर तरह की। सबकी प्रॉब्लम एक इंसान सॉल्व नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही पावरफुल हो। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जरूरी है, और डेमोक्रेसी की बेसिक चीज है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सबसे कॉमन चीज कि डिसेंट्रलाइजेशन, पावर को बांटना को आना ही चाहिए जो शीर्ष पद पे बैठा है, प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो। इसमें आप लोग लिखेंगे द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। द बेसिस, BASIS, द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। बेसिस क्या है डेमोक्रेसी का? पावर को डिसेंट्रलाइज कर देना। और इसका सबसे तरीका क्या अपनाया हमारे देश में? सेंट्रल, स्टेट, फिर लोकल गवर्नमेंट। लोकल मतलब जो आपके छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखती है, पीने का साफ पानी, गली के बाहर लाइटें, रोड लाइट्स वगैरह जो होती हैं, आपकी नालियों से पानी पर सैनिटेशन फैसिलिटी ढंग से है नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके कोई कॉलोनी वगैरह कुछ कोई डिस्पेंसरी है क्या मेडिकल की, टॉयलेट्स वगैरह है नहीं है, पब्लिक टॉयलेट्स, रोड्स कैसे बने हैं, ये छोटी छोटी चीजें जो हमारी गली नुक्कड़ों से संबंधित होती है, एक गली एक कॉलोनी से संबंधित होती है, उनका ध्यान कौन रखता है? लोकल गवर्नमेंट। पार्षद चुने जाते हैं इसके लिए। एक पार्षद कितने से एरिया संभालता है? माने एक वार्ड होता है उसको संभालता है, उसे उसका ध्यान रखना है, लगभग 10-20 गलियां उसमें आएंगी, दो चार कॉलोनियां होंगी ढंग से, तो उसे उनको संभालना पड़ेगा कि हाँ इन कॉलोनियों में, इन गलियों में जो भी परेशानी होगी जनता की मूलभूत सुविधाओं से लेकर, बेसिक चीजों से लेकर उन्हें आप देखेंगे, तो इसलिए पार्षद में आता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का अच्छा एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट में यह है कि हमने लोकल गवर्नमेंट को पावर दे रखी है। ठीक है, तो ये लिखा होगा आपने द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अ गुड फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, अ गुड फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन डेमोक्रेसी इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अ गुड फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन डेमोक्रेसी इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। थ्रू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, थ्रू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, THROUGH, थ्रू की स्पेलिंग, थ्रू अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अ जनरल पर्सन टेक्स एन एक्टिव इंटरेस्ट इन द गवर्नेंस, टेक्स एन एक्टिव इंटरेस्ट इन द गवर्नेंस एंड रियलाइजेस द राइट ऑफ सिटीजनशिप, and realizes the right of citizenship, realizes RealizesRealices. देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत मूलभूत होती है, जैसे कि वार्ड पार्षद, अब जैसे हम माने भारत के प्रधानमंत्री है, आम आदमी उनसे नहीं मिल सकते और पॉसिबल भी नहीं कि हर एक आम आदमी से मिले और उनकी समस्या सुने। 24 घंटे कम पड़ जाएंगे और 24 घंटे जिंदगी कम पड़ जाएगी 130 करोड़ जनसंख्या की बात सुनने में और उनकी कंप्लेंट्स लेने में। हालांकि पोर्टल्स वगैरह होते हैं, हम ऑनलाइन उन्हें हम कंप्लेंट भेज सकते हैं, अगर हमारी कोई नहीं सुनता तो हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के या सीएम ऑफिस के पोर्टल पे डाल सकते हैं, नंबर कभी भी आ सकता है, प्रैक्टिकली सुनो 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, कभी भी हमारे कंप्लेंट का नंबर आएगा तो सुन जाएगी, गलती उनकी नहीं, लाखों कंप्लेंट वहां पे आई, एक एक करके तो सुनूंगी, तो इसलिए नंबर कभी भी आ सकता है, तो उसमें बहुत बड़ी प्रोसेस है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हम लिख रहे हैं एक्टिव इंटरेस्ट, एक्टिव पार्ट लेती है जनता, क्यों? क्योंकि वार्ड पार्षद एक 4-5 कॉलोनियों को देख रहा है, एक एरिया को देख रहा है, तो
को रोज जनता से मिल सकता है, वो एक आम आदमी की तरह होता है। मतलब हम बहुत बड़ा, मैं एक बुक से हटके बात बता रहा हूँ, बहुत बड़े ऐसा कि एमपी है कोटा बूंदी एमपी ओम बिरला है, तो ओम बिरला से हर पर्सन का मिलना पॉसिबल नहीं है। तो वो संसद बैठे दिल्ली में, तो हर पर्सन दिल्ली जाए उनसे फोन पे कॉन्टेक्ट करे, फिर वही कि जनसंख्या कितनी कोटा बूंदी 20-25 लाख टोटल मिला के, ये बहुत फिर इम्पॉसिबल हो जाता है। इसे मैं सिटी सिटी की बता रहा हूँ, 50 लाख के आसपास जनसंख्या कोटा बूंदी की सिटी और रूरल दोनों मिला है, तो ये बहुत इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है। लेकिन एक वार्ड पार्षद 10,000-20,000 बंदों के नीचे होता है, तो उसके लिए पॉसिबल क्यों मिल सकता है? तो इसलिए लोकल सेल गवर्नमेंट बनाई इसलिए गई ताकि एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़े। ऐसे गांव में सरपंच होते हैं, वहां भी यही बात है कि सरपंच एक गांव को देख रहा है, तो वो मिल लेता है लोगों से, बात कर लेता है, उनकी सुन लेता है और उनके हिसाब से डिसीजन ले लेता है। एमपी एमएलए और प्रधानमंत्री सीएम के लिए इतना पॉसिबल नहीं कि हर पर्सन से मिले अपने एरिया में, तो इसलिए इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है और ये बहुत जरूरी डेमोक्रेसी के लिए। पॉइंट नंबर 6 है लिबर्टी, LIBERTY, लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आजादी, आजादी सबको होनी चाहिए हर काम करने की, वही डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो पाएगी। बेसिक चीज है कि आजादी होगी, लिबर्टी होगी, डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है। डेमोक्रेसी बिलीव्स इन द, आप लिबर्टी में लिखेंगे, डेमोक्रेसी बिलीव्स इन द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड गवर्नेंस। डेमोक्रेसी बिलीव्स इन द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड गवर्नेंस, GOVERNANCE, विच मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन Constitution should give fundamental freedom to the citizen, fundamental freedom to the citizens, and give protection to these freedoms, and give protection to these freedoms should also be arranged. तो उनके freedom मिलनी चाहिए और उस freedom की protection का क्या, उसे उनको आजादी को protect भी तो करना पड़ेगा, वो भी करना चाहिए, यानी कि उनकी राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का किसी भी तरह से वायलेशन ना हो, ये भी देखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबके पास ये लिबर्टी होगी अपने आइडियाज रख सके, जो हमने पहले भी पढ़ा था, लिबर्टी मतलब आजादी। ये लिमिटेड गवर्नेंस एक वर्ड आया है, लिमिटेड गवर्नेंस का मतलब ये है कि हर पर्सन, मतलब हम माने देश में गवर्नेंस लिमिटेड हो, गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट का दबदबा हर काम पे कम हो, जनता ओवरटेक करे। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे लिमिटेड गवर्नेंस का मतलब ये कि तो ये काम तो नेता ही करेंगे, सीएम करेंगे, पीएम करेंगे, एमएलए करेंगे, एमपी करेंगे, लेकिन जो हम चाहे वैसा करें, तो उसका मतलब है लिमिटेड गवर्नेंस, वो अपनी कम चलाए, जनता की ज्यादा सुने, उनके ओपिनियन लें, क्योंकि उन्हीं के लिए तो काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए तो काम करना है, तो उनकी समस्याओं को ज्यादा सुने, ये मतलब है लिमिटेड गवर्नेंस का। फिर आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, पॉइंट नंबर 3 है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारी जो जुडिशरी वो आजाद हो, इंडिपेंडेंट हो। नॉर्मल सी बात है, मैंने पहले भी बताया था कि एक देश की जुडिशरी जो न्याय व्यवस्था होती है वो आजाद होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। एस्टेब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एस्टेब्लिशिंग ESTABLISHING, एस्टेब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट, फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज सच अ जुडिशरी प्रिवेंट्स द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम वायलेटिंग द लॉ, सच अ जुडिशरी प्रिवेंट्स द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम वायलेटिंग द लॉ। एग्जीक्यूटिव की स्पेलिंग EXECUTIVE, वायलेटिंग VIOLATING, वायलेटिंग द लॉ। इतना लिखिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए इसमें। जुडिशरी ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, जुडिशरी ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। जुडिशरी का दूसरा काम क्या है कि वो लोगों की फ्रीडम की भी सुरक्षा करे, फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करे। और एक बेसिक चीज है डेमोक्रेसी के लिए कि उसकी जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, वो किसी भी बंदिशों में काम ना करे। किसी भी एमएलए, एमपी, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, कोई भी नेता है उसके अंडर काम ना करे, बहुत जरूरी है। वो जनता की सुने, आम लोगों को सुने, हर इंसान को, मैंने पहले ही बताया अंका कानून की तरह देखे, मतलब कि जब कोई भी उसी कटघरे में खड़ा हो तो वो बस भारत का नागरिक होना चाहिए।
जुडिशरी को उसके नाम, उसके काश, उसके धर्म, उसका औदा, उसकी वेल्थ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये मतलब होना चाहिए कि भारत का नागरिक है और इसके इसको इस अपराध के लिए लाया गया है। जुडिशरी पहले माइंडसेट भी नहीं कर सकता कि ये मर्डर है या आतंकवादी है, उसको हमको जेल भेजना है। नहीं, उसकी बात सुनी जाएगी। हमने अजमल कसाब पे जो मुंबई अटैक्स में पकड़ा गया था, आतंकवादी हमले होते जो मुंबई में 2008 में, उस पर 10 साल केस चलाया था। नहीं सर, 10 साल ज्यादा हो गया, हालांकि 7-8 साल केस चलाया था और उसे फिर फांसी दी। पता था सबको आतंकवादी है, लेकिन फिर भी उसकी बात पूरी तरह से सुनी गई। जुडिशरी ने इंडिपेंडेंटली काम किया, बिना भेदभाव के काम किया। उसे एक आम नागरिक माना बस पाकिस्तान का, ये नहीं माना कि वो आतंकवादी है। पहले आप परसेप्शन नहीं बना सकते, सजा कानून देता है जो प्रूफ के साथ मिलती है। ऐसा नहीं कि बोलने से कुछ भी हो जाए, हमारा बोलना आतंकवाद होती है। जुडिशरी न्यायपालिका इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से काम करती है, किसी के दबाव में काम नहीं करती, और ये बहुत जरूरी भी है डेमोक्रेसी को सक्सेस होने के लिए। इसमें आप लास्ट पर लिखेंगे नेशनल स्कीम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, नेशनल स्कीम्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट पॉइंट नंबर 15 है। जितनी भी योजनाएं सरकार की आ रही है वो नेशनल इंटरेस्ट में आए, लोगों के इंटरेस्ट में आए। जैसे कि अन्न योजना आती है, उज्ज्वला योजना आती है, गैस सिलेंडर फ्री मिलते हैं, पीने का साफ पानी मिलता है, अन्नपूर्णा योजना आती है जिसमें गाड़ियां चलती हैं, खाने की 5 रुपए में खाना मिलता है, राशन मिलता है 1.5 रुपए किलो, 2 रुपए किलो गेहूं चावल मिलते हैं। ये सब पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए, पब्लिक का उद्धार होना चाहिए, इससे तभी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल चल पाएगी। डेमोक्रेसी किसके लिए है? चैप्टर खत्म होने पर आ रहा है और मैं बता रहा हूँ डेमोक्रेसी किसके लिए है, पब्लिक के लिए, पब्लिक के लिए सब काम करना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इट इज इसेंशियल दैट स्कीम्स फॉर्म बाय द गवर्नमेंट टू असिस्ट इन बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ इट्स पॉपुलेशन। इसमें चेंज करा रहा हूं, आप लोग चेंज करते रहे। फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इट इज इसेंशियल दैट स्कीम्स बी फॉर्म बाय द गवर्नमेंट टू असिस्ट इन बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इट्स पॉपुलेशन। यानी कि अपनी पॉपुलेशन का डेवलपमेंट बैलेंस रहे, अमीर को और गरीब का जो गैप है वो बढ़ता ना जाए, ये चीज बहुत जरूरी है। होपफुली आपने इसे नोट किया होगा।